क्लास स्टार्ट करते हैं फाइव स्टूडेंट्स आ चुके हैं अच्छा मैं क्या कहा मैंने छोड़ा था जरा मुझे बताएंगे आप लोग आप लोगों में से कोई भी एक मुझे ये बताए कि हमने जो क्लास छोड़ी थी वो कहाँ छोड़ी थी क्या पढ़ रहे थे हम किसी को कुछ याद है किसी को कुछ याद है हमने अभी जो क्लास ऑफ की थी वो हमने कहा की थी क्या पढ़ रहे थे हम बेटा बाद में बहुत मसला होने वाला है आप लोगों का फर्स्ट पेपर होगा ये फर्स्ट सेमेस्टर है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अपने पास नोट डाउन कर लें पेपर इसमें से ही आएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ पेपर बुक में से नहीं आएगा इस बात का ख्याल रखिएगा अगर आप लोग ये सोचें कि हम पेपर जो है वो बुक में से कर लेंगे या फिर कुछ और तो डेफिनेटली नॉट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मैं जो पढ़ा रही हूं मैं वो ही लूंगी तो इसलिए बराए मेहरबानी मैं आप लोगों को फिजिकल क्लास में भी कहा करती थी कि अपनी नोटबुक्स निकालिए नोटबुक्स में नोट डाउन करें और मैं अभी भी आप लोगों को यही मशवरा दूंगी अपनी नोटबुक अपने पास रखें नोटबुक में लिखें वरना तो मसला हो सकता है जी अरे क्लियर आवाज नहीं आ रही माइक थोड़ा सा ऊपर करके बोल थोड़ा सा लोग खड़े हो सारे इधर उधर भाग रहे हैं उठ पागल हो जी जी बिल्कुल मैं करूंगी और सॉरी मैं लास्ट वाली पीपीडी आप लोगों को शेयर नहीं कर सकी लेकिन इस, उसके इसके साथ साथ मैं वो वाली भी शेयर करूंगी इस वक्त क्लास के एंड में लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो है वो आ, नोट डाउन लाजमी करके रखें वरना तो आप लोगों के लिए मसला होगा फिर पेपर में और अगर मैं नहीं हुई वैसे तो मैं होंगी इनशाला और अगर मैं नहीं हुई तो कोई दूसरा या तीसरा आपको नहीं बता सकता कि क्या लिखा है पेपर में क्या क्या लिखना है उसका आंसर क्या है ठीक है अच्छा हमने जो छोड़ा था हमने सिटीज के ऊपर छोड़ा था कि अलेक्जेंडर जहां से गुजरते गए जहाँ उनको कोई नुकसान पहुंचते गए अली और आयशा ये जरा अपने हाथों को काबू में रखिए स्क्रीन के ऊपर नहीं आने चाहिए इसके बाद आपके हाथ जहां से गुजरते गए जहां उनको नुकसान हुआ या फिर कोई भी मसला हुआ उन्होंने अपनी या फिर कोई जगह अच्छी लगी तो उन्होंने जो है वो आ, अपनी सिटी बनाई नई सिटी बना देते थे या फिर जो है वो जो जो, जो शहर होता था उसको रिन्यू कर देते थे उसका नाम रिन्यू कर देते थे तो उसी तरीके से उन्होंने एक सिटी बनाई जो कि ओज शरीफ के करीब था अः ओज शरीफ के करीब था तो वो जो है वो अलेक्जेंड्रिया का एरिया था जो कि इस वक्त पाकिस्तान में आता है बोसफाला जो है इनके घोड़े का नाम था और इनका घोड़ा जब एक बहुत इंपॉर्टेंट जंग हम अभी बाद में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जंग हुई थी हिंदुस्तान में अलेक्जेंडर की वहीं उसको नुकसान पहुंचा और कहीं उसको नुकसान नहीं पहुंचा था उस बीच में उसका एक घोड़ा था उस घोड़े को उस वो घोड़ा मर गया था तो उस घोड़े का नाम रखा मैं सो मैं नहीं हूँ मैं ये हूँ अली जाफ़री तो वो दूसरे कौन थे uh, नासिया और ये सिटी अलेक्जेंडर फाउंडेड शेवल सिटीज़ विद द नेम ऑफ़ नासिया एंड द हॉनर ऑफ़ द विक्ट्री उफिस. और विक्ट्रियाड मन मोन नास निसिया के नाम से इन्होने बहुत सारी सिटीज बनाई थी और उसमें एक पंजाब में भी एक शहर था जो कि इन्होंने बनाया पटाला

बाकी सबको आ रही है एक अली जाफरी हैं और दूसरे अली कौन है अच्छा एक और सिटी उन्होंने बनाई थी आ, अपनी वाइफ के नाम पे जो कि वाइफ पर्शिया से थी जब इन्होंने पर्शिया पे अटैक किया था तो वहां पर्शिया की एक राजकुमारी से शादी की थी तो रोजेना रोजैना उनका नाम था रोकसना कहेंगे आ, उनका नाम था और जो है वो, वो उनके नाम पे हिंदुस्तान में एक सिटी बनाई थी उन्होंने ठीक है उनके नाम पे एक सिटी बनाई थी उन्होंने अब आती है वो जंग जब अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान में अः टेक्सिला के ऊपर हमला किया और टेक्सिला की किंगशिप उसको बासानी मिल गई अम्बीराज से तो अंबिराज के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक जो मजबूत सल्तनत थी तक्षशिला सबसे मजबूत सल्तनत कहलाया करती थी मैं ये आयशा नहीं है ये उमर है जो कोई भी है मुझे नाम उनका शो हो रहा है जो भी कर रहे हैं ठीक है तो अपनी सफाइया अपने पास रखें आप लोग अच्छा आ अब... टैक्सिला में सॉरी हिंदुस्तान में दो तीन हुकूमत बहुत मजबूत हुकूमतें थी एक वो हुकूमत जो कि टैक्सिला की हुकूमत थी जो कि अम्बीराज की थी वो खौफजदा हो गए थे और उनकी उन, उन उनको अपने स्टेट को बचाना था क्योंकि वो स्टेट बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखता था आ, कल्चर के हवाले से पढ़ाई के हवाले से एजुकेशन के हवाले से स्कॉलर्स के हवाले से क्योंकि वहां पे ही बहुत सारे लोग थे और बड़े बड़े नामवर लोग हुआ करते थे इस वजह से उन्होंने आ, जो है वो लड़ना लड़ने को प्रेफर नहीं किया उन्होंने अलेक्जेंडर को अपना लिया और साथ बैठ के इनके साथ काम किया दूसरी हुकूमत जो थी वो अंबिर उनकी थी जेहलम पे थी और बहुत पावरफुल हुकूमत थी वो उस वक्त की आ, जो है वो वहां पे थे किंग किंग पुरुषोत्तम वहां का नाम उनका नाम था जो किंग रूल कर रहे थे और एक हुकूमत थी जो मगध हुकूमत थी जो के आ, आप कहेंगे अभी का आ, आ, अभी का कहेंगे आप कौन सा एरिया कहलाएगा ये आ, चार सवात और इन, आ, चार सदस्वार टैक्सिला और जो है वो आ, इंडिया के कुछ इलाके मगध हुकूमत थी आ, वो जो थी पाटली पुत्रा पाटली पुत्रा हुकूमत थी उसमें जो है वो नंदाज आ, ए, रूल कर रहे थे वो एक बहुत बड़ी हुकूमत थी अच्छा नंदाज हुकूमत को तो इन्होंने नहीं छेड़ा लेकिन अलेक्जेंडर ने तक्षशिला के बाद जो है हम आ, के साथ पे अटैक किया वो सबसे इम्पोर्टेंट जंग कहलाती है अलेक्जेंडर की क्यों क्योंकि अलेक्जेंडर को यहाँ पे बहुत से इनोवेशंस करने पड़े जंग में वो एक जो रस्मी जंग चली आ रही थी ना तो वो रस्मी जंग टूट गई क्योंकि उनके सामने जितनी एज अलेग्जेंडर की थी उतनी ही रे एज राजा पुरुषोत्तम की थी दोनों यंग थे अलेक्जेंडर को जंगों की आ, जो है वो प्रैक्टिस थी उनको एक्सपीरियंस था पोरस को एक्सपीरियंस नहीं था पोरस मींस किंग पुरुषोत्तम की बात कर रही हूँ मैं तो उनको एक्सपीरियंस नहीं था और उनको एक्सपीरियंस था इस अलेक्जेंडर ने जो जेहलम में ए, जो है वो हुकूमत थी उनको एक खत लिखा जैसे कि अंबिराज को लिखा कि आप जो है मेरी हुकूमत को अपना लें नहीं तो जंग के लिए तैयार रहें तो आ, पोरस क्योंकि पोरस भी जवान थे और अलेक्जेंडर भी जवान थे उन्हीं की एज के थे तो पोरस अच्छा, पोरस अच्छा इनके ऊपर नजर रखे हुए थे जब से जब जब वो पर्शिया में एंटर हुए थे और जब पर्शिया के डराय के साथ इनकी जंग हुई थी जब से पुरुषोत्तम इनके ऊपर नजर रखे हुए थे कि इनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं ये किस किस किस्म के आलात लेके आ रहे हैं क्या ये बोलते हैं ये सब इन पुरुषोत्तम का इनकी नजरों में था तो पुरुषोत्तम ने इनसे जंग करना बेहतर समझी इनके सामने हथियार डालना छोड़ दिए तो अलेक्जेंडर ने कहा ठीक है सही है जब आपको जंग करनी है तो जंग ही सही अब अलेक्जेंडर के पास एक दो रास्ते थे या तो वो जमीन के रास्ते आए टेक्सिला से होते हुए जेहलम तक या फिर वो पानी के रास्ते आए जेहलम तक अब होता यह है कि जो स्ट्रेटजी अपनाता है अलेक्जेंडर वो दो स्ट्रेटजीज अपनाता है एक वो पानी के रास्ते आता है जो कि बहुत करीब है एक वो जमीनी रास्ते आता है जो कि एक लंबा टाइम पीरियड लगता है फौज को आने के लिए तो इस टाइम पीरियड में अच्छा होता यह है जब पानी के रास्ते अलेक्जेंडर आता है जेहलम के ऊपर हमला करने के लिए तो वो जेहलम पे नहीं आता वो जेहलम के नदी के दूसरी तरफ आता है तो अब इनको कुछ करना था कोई कोई ऐसी ट्रिक अपनानी थी कि अपनी पूरी की पूरी फौज बमे घोड़ों के और तलवारों के वो एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाए अब अलेक्जेंडर जो है वो आ, उस जेहलम पे रिवर पे एक पुल बनवाता है उस पुल के जरिए यहाँ अच्छा जितने दिनों में वो पुल बनता है उतने दिनों में पुरुषोत्तम एक नई स्ट्रेटजी अपनाता है अच्छा हिंदुस्तान में आज से इससे पहले कभी किसी जंग में ये नहीं हुआ था नई स्ट्रेटजी मुतारफ करवाने जा रही जा रही है इस वक्त यहाँ पे आ, हिंदुस्तान में होते थे हाथी ये हाथी होते थे जंगली हाथी इन जंगली हाथियों अच्छा आ, मैं इसकी एग्जाम्पल आपको ऐसे दऊ कि आपने बिल्लियां पाली होंगी ठीक है एक होती है पालतू बिल्लियां और एक होती हैं जंगली बिल्लियां जो कि हमारे घरों के आसपास हमारे घरों में आती रहती हैं जो पालतू बिल्लियां होती हैं उनको ट्रेन करना बहुत आसान होता है लेकिन जो जंगली बिल्लियां होती हैं जो कि हमारे घरों में आती हैं उनको ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन अगर आप उनको ट्रेन कर देते हैं तो उनसे अच्छा ट्रेन उस उनसे अच्छा परफॉर्म करने वाला कोई नहीं होता तो इस वजह से जो राजा पोरस था उसने जो है वो जंगली हाथियों को हिंदुस्तान में जो ज्यादा मकदार में पाए जाते थे हाथी उन जंगली हाथियों को इस्तेमाल किया उन हाथियों का एक दस्ता बनाया और उन हाथियों को ट्रेन किया आगे हमला करने के लिए अच्छा जब Alexander, जो है वो पुल क्रॉस करके आता है तो उसको एक बड़ी हाथियों की फौज का सामना करना पड़ता है जो कि बड़ा मुश्किल काम था और उस दिन अलेक्जेंडर डिफीट हो जाता है अब ये होता है कि भाई क्या किया जाए अब अलेक्जेंडर ये देखता है तो वो जो है ना खंदक खोद देता है और जो है वो दूसरे दिन की बात होती है जब खंदक खोद देता है और पत्ते वत्ते डाल देता है और नेजे वगैरह बना लेता है तो होता यह है अब जब दूसरी दफा हाथी अटैक करते हैं फौज के ऊपर जब पहली लाइन आती है तो पहली लाइन तो नीचे गिर जाती है हाथियों की नुकसान होता है हाथियों को अब जो आगे बढ़ रहे होते हैं हाथी उनके ऊपर नेजे मारे जाते हैं तीर चलाए जाते हैं तो जब वो जख्मी होते हैं हाथी तो वो पीछे की तरफ भागते हैं और पीछे की तरफ पोरस की पोरस की जो है फौज खड़ी भी होती है और जो पोरस की फौज है ना वो उसके ऊपर हाथी चढ़ जाते हैं और पोरस को नुकसान होता है अब यहाँ पे पोरस को एक भारी नुकसान होता है अच्छा यहाँ पे ये लोग एक घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं अच्छा उस घोड़ा गाड़ी को कहते हैं रथ रथ जो होता है ना रथ रे ते दो चश्मी है ये जो रथ है इस रथ में चार लोग बैठे होते हैं व्हील में ये चलती है और चार लोग ये बैठे होते हैं छह लोग इसको चला रहे होते हैं और इस चार लोग कौन कौन से बैठे होते हैं तीरंदाज बैठे होते हैं इसमें और इसमें जो है वो तलवारबाजी करने वाले बैठे हुए होते हैं और इसमें एक शील्ड लेने शील्ड जो प्रोटेक्ट प्रोटेक्टर होते हैं ना जो शील्ड से प्रोटेक्ट करते हैं वो बैठे होते हैं तो ये मतलब एक गाड़ी नुमा होती है और ये चलती है अच्छा होता यह है कि जब ये रथ चलाने की बारी आती है तो बारिश हो जाती है जेहलम के करीब मिट्टी जो है वो नम मिट्टी है जब बारिश होती है तो वो कीचड़ में तब्दील हो जाती है और जब वो कीचड़ में तब्दील होती है तो ये रथ चलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है और रथ जो है वो नीचे जमीनों में ढस जाती है तो जिसकी वजह से वो उसकी आधी फौज ऐसी खत्म हो जाती है पुरुषोत्तम की और जो है ये ये जंग काफी टाइम तक चलती है लेकिन पुरुषोत्तम हार नहीं मानता एट द एंड जो है वो ग्रीक आर्मी जीत जाती है अलेक्जेंडर जीत जाता है और पोरस हार जाता है लेकिन अलेक्जेंडर एक हुक्म जारी करता है कि अगर पुरुष हार भी जाए तो उसको मारना नहीं है उसको मेरे पास लेके आना है पुरुषोत्तम को अलेक्जेंडर के पास लेके आया जाता है बड़े तारीखी जुमले हैं ये पुरुषोत्तम को अलेक्जेंडर के पास लेके आया जाता है जिसको हम कहते हैं अः सिकंदर आजम और उसको घुटनों के बल बैठा दिया जाता है फिर उससे पूछा जाता है अलेक्जेंडर पूछता है तुम बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं या तुम्हें बख्श दूं क्योंकि तुम सरेंडर नहीं कर रहे थे तो पुरुषोत्तम बड़े तारीखी अल्फाज बोलता है कि तुम मेरे साथ वही करो जो तुम बाकी राजाओं के साथ किया करते थे मींस ये पॉलिसी होती है कि अगर एक राजा डिफीट हो गया है तो दूसरा राजा जो कि जीत गया है वो दूसरे राजा को सरकलम कर देगा तो बड़े आ, जो है वो सुकून वाले लहजे में कहता है कि तुम वो ही करो जो दूसरे राजाओं के साथ करते हो जो कि पॉलिसी है तो अः इस बात से बड़ा खुश होता है और वो ये सॉरी पोरस नहीं इस बात से बहुत खुश होता है और वो कहता है कि इतनी इतनी जंगें मैंने जीत ली लेकिन इतनी जंगों के बाद मुझे एक ऐसा शख्स मिला है जो कि मेरे सामने आके खड़ा हो सके मेरे सामने आके मेरी फौज का मुकाबला कर सके और मैं इस बात से बहुत खुश हुआ हूँ और उनमें उस इतने महीनों की जंग के बाद इतनी स्ट्रेटजीज के बाद लड़ाई झगड़े के बाद उनमें दोस्ती हो जाती है सुलह हो जाती है लाइन्स हो जाता है लेकिन अलेक्जेंडर उस तरीके से रूल नहीं करता जिस तरीके से तक्षशिला में रूल कर रहा होता है और डराइस के पर्शिया में रूल कर रहा होता है अलेक्जेंडर पूरा के पूरा पुरुषोत्तम को ये अलाउ करता है कि जिस तरीके से वो किंग था जेहलम का वो उसी तरीके से किंग रहेगा जेहलम का लेकिन बस मेरी अंडर में रहेगा अलेक्जेंडर uh, के अंडर में रहेगा तो वो ये वाली बात मान लेता है और दोस्ताना ताल्लुक इनके कायम हो जाते हैं पुरुषोत्तम का इससे पहले एक uh, कोशिश होती है पुरुषोत्तम की के uh, जो है वो एक एक हिंदुस्तान बनाए मतलब अखंड भारत बनाए मींस एक हिंदुस्तान बनाए जिसमें एक रूलिंग पावर हो एक सभा हो जिसमें सब बैठे सारे राजा बैठे और उनके उ, उ, उन टॉपिक पे बहस हो और सब मिलके किसी एक बात पे इतफाक करें पुरुषोत्तम चाहता था कि हिंदुस्तान एक हो जाए कोई बाहर से आने वाला इसको तोड़ ना सके लेकिन ये होने से पहले ही अलेक्जेंडर आ गया और अलेक्जेंडर ने जो है इसका फायदा उठाया कि ये डिवाइडेड थे तो इसका फायदा उठाया हिंदुस्तान पे रूल किया और पुरुषोत्तम को यहाँ पे डिफीट किया और अपनी काफी बड़ी अच्छी हुकूमत यहाँ पे जमाई ठीक है बैटल मैंने बता दी अः बैटल जो है वो पुरश आर्मी और इनके दरमियान अलेक्जेंडर के दरमियान हुई थी रेजिस्ट बहुत ज्यादा किया था अः लेकिन उसके बावजूद जो है वो पूरे हार गया और जो है वो अलेक्जेंडर जो है लेकिन अलेक्जेंडर ने बहुत ज्यादा पोरस की जो है की ब्रेवरी की उसकी लीडरशिप की उस उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ इस वजह से उसको छोड़ दिया और जो है उसके साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम कर दिए ये ये बैटल समझ में आई क्योंकि ये बैटल आती है पेपर में समझ में आई अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बैटल समझ में आई अपना माइक खोल लें जरूरी नहीं है चैट बॉक्स में ही आए आप लोग चाहिए अः इसके बाद हम देखते हैं अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर अच्छा इस जंग के बाद अलेक्जेंडर जो है वो तक्षशिला वापस जाता है और वहां जाके कयाम करता है और अब उसकी फौज कहती है कि हम इसे आगे नहीं लड़ेंगे क्योंकि सालों से वो जंगी हालात में हालत में थे उनको जब जगह मिली यहाँ पे हिंदुस्तान में उन्होंने देखा कि सूटेबल एरिया है रहने के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के हिसाब से तो अलेक्जेंडर की जो फौज थी वो जो है मुश्तिल हो गई और इस उस फौज ने बगावतें करना शुरू कर दी तो बहुत से वो लोग जो अलेक्जेंडर की जंग में नुकसान उठाया था जिन्होंने जिनके मतलब आजा कट गए थे या फिर वो आगे मजीद नहीं चल सकते थे वो यहीं कायम पजीर हो गए बहुत से वो लोग जो चाहते थे कि अपना माल गनीमत जो कि लूटा हुआ है वो माल गनीमत लेके अपने प्यारों में जाएं तो वो उनको भी इजाजत दी उनके साथ साथ अलेक्जेंडर ने अपना रास्ता चुना कि वो बलोचिस्तान के रास्ते से होता हुआ पर्शिया मींस ईरान से होता हुआ वो बेबलूनिया जाएगा अच्छा तो पर्शिया में अलेक्जेंडर ने शादी की हुई होती है क्वीन से तो वो पर्शिया जाके स्टे करता है और वहां जाके जब वो स्टे करता है तो अलेक्जेंडर बीमार हो जाता है अच्छा अब Uh, at uh, Babylonia, at the time, uh, at the time of his uh, illness, Alexander was in Babylonia, the capital empire. He had returned to the after campaign. Of, uh he had planned to expanding. Including so. अच्छा होता यह है कि अब जो उसका हदफ होता है ना हिंदुस्तान हो गया पर्शिया हो गया इजिप्ट हो गया टर्की हो गया बेबलूनिया हो गया बैक्टेरिया हो गया ये एरियाज कैप्चर करने के बाद अलेक्जेंडर चाहता है कि अब अरब में उसकी हुकूमत कायम हो लेकिन जब वो बेबलूनिया जाता है और उसकी बॉडी रेस्ट में आती है तो वो जो है अच्छा अब तक जो अलेक्जेंडर की बॉडी थी ना हालत जंग में थी आप लोग खुद नोट करेंगे कि आप लोग जब सफर में होते हैं ना तो आप लोगों को बुखार या फिर एनजाइटी या फिर कोई और भी चीज अगर कोई तकलीफ हुई भी होती है तो वो फील नहीं होती इतनी तो इस वजह से जब अलेक्जेंडर पूरे रास्ते जो है वो जंगी हालत में था तो उसको फील नहीं हुआ लेकिन जब वो बेबलूनिया आता है और यहाँ पे आके वो अपने आप को जो है रिलैक्स फील करता है तो यहाँ आके जो है ना वो बीमार हो जाता है अलेक्जेंडर अब बीमार इसके बड़े बहुत सारे मिथ्स हैं बहुत सारी थ्योरीज हैं कोई राइटर ये कहते हैं स्टोरियन ये कहते हैं कि हो सकता है पॉसिबिलिटी थी कि अलेक्जेंडर को जो है वो मलेरिया हो गया था कोई ये कहता है कि हो सकता है अलेक्जेंडर ने पॉइजनिंग अल्कोहल पी लिया था Uh, कोई कहता है कि कोई कहता है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि अलेक्जेंडर uh, को थायराइड था और uh, वो थायराइड की वजह से मर गया या फिर कोई इन्फेक्शन डिजीज था अच्छा मे बी पॉसिबिलिटी एक और चीज हो सकती है कि अलेक्जेंडर uh, काफी सालों से हालत जंग में था और अलेक्जेंडर को डिफीट करना नामुमकिन था लेकिन जब पर्शिया में अलेक्जेंडर एंटर हो रहा था तो किंग डरात से लड़ते हुए अलेक्जेंडर के बाजू में एक तीर लगता है उस तीर से वो काफी ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचता है अलेक्जेंडर को लेकिन वो उसके बाद वो खड़ा हो जाता है जंग के लिए तैयार होता है लेकिन मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो तीर पॉइजनस था और जिसकी वजह से अलेक्जेंडर की जब बॉडी रेस्ट में आई भले सालों हो गए लेकिन अलेक्जेंडर की बॉडी जब रेस्ट में आई तो उसके ऊपर वो इफेक्ट कर गया और वो उसकी वजह से अलेक्जेंडर इतनी तेज बुखार में हो गया मुबतला कि उसको रिकवर करना मुश्किल हुआ और रिकवर करना मुश्किल हुआ जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया सही अलेक्जेंडर को बेपुनिया में ही जो है दफनाया गया है हबीबुल्ला किसी का कांटेक्ट है हबीबुल्लाह से वो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है आप सब ने बसानी ज्वाइन कर ली थी उनकी क्लास पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रही चलें, आ, ये तो पता चल गया ना कि अलेक्जेंडर का इंतकाल कैसे हुआ इसके बहुत सारे मिथ्स हैं। अलेक्जेंडर क्योंकि बेबलूनिया में थे तो बेबलूनिया में ही उनको उठा आ, दफनाया गया और आ, जो है उनका जो इंतकाल है वो दस और एलेवन बीसी में हुआ है आ, तारीख जून की दस या एलेवन बीसी थी लेकिन कंफर्म नहीं है अच्छा एक मित और है जब अलेक्जेंडर का इंतकाल हुआ तो वो एक वसीयत करके गए कि कॉफिन से मेरे हाथ बाहर निकाल के मुझे दफनाना क्यों ऐसा क्यों क्यों अलेक्जेंडर को अपनी जीत पे बहुत भरम था बहुत गुरूर था अपनी खूबसूरती पे उनको बड़ा गुरूर था और अलेक्जेंडर जब ये वसीहत करते हैं तो वो ये लोगों को दिखाना चाहते हैं दुनिया को दिखाना चाहते थे उनका कॉन्सेप्ट ये था कि देखो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्कर दुनिया आ, में अजीम, सल्तनत कायम करने वाला सिकंदर आजम जिसको आजम कहा जाता है ग्रेट कहा जाता है जब वो मरा है तो वो भी खाली हाथ मरा है दुनिया का अमीर तरीन शख्स अलेक्जेंडर जिन एरियाज में गया उन एरियाज का इसने आ, माल लूटा माल नीमत था उसके पास लेकिन वो कुछ भी नहीं लेके जा रहा खाली हाथ जा रहा है तो इसने इस मिसाल के लिए लोगों को बताने के लिए अपने हाथ अपने ताबूत से बाहर रखवाए थे जिस वक्त वो मर गया था और ताबूत से बाहर निकले निकले ही उसको दफना दिया गया था ठीक है the... अच्छा ये इसके एरा का टाइम एंड था अलेक्जेंडर का टाइम पीरियड खत्म हो चुका था हाँ अब अब आती है बाहरी जंगी सूरत हाल की वो इसलिए क्योंकि अलेक्जेंडर के पीछे उसके कमांडर्स थे जो के चाहते थे कि जंग हो आगे और जो अलेक्जेंडर के ए, ने एरियाज जीते हैं उसकी हुक्मरानी हम करें क्योंकि अलेक्जेंडर बांट के नहीं गया किसी को गवर्नर नहीं बना के गया किसी को मुसलत नहीं करके गया तो ये जंग शुरू होनी थी हुकूमत जो इंडिया पे अलेक्जेंडर का कमांडर आता है वो कहलाते हैं सिल्वकस नेक्टर सिल्वकस नेक्टर के बारे में कभी किसी ने सुना है अब आई थिंक सुना होगा सिल्वकस नेक्टर के बारे में आ, किसी क्लास में तो पढ़ा गया है लाजमी मुझे इस वक्त याद नहीं है लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि हिंदुस्तान को रूल कर रहे थे नेक्टर ये किसी क्लास में तो इस चीज का जिक्र है अलेक्जेंडर के साथ ही उनके गवर्नर थे सही इसके बाद किंग पोरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किंग पोरस कौन थे किंग पोरस ऑल्सो नोन और राजा पुरुषोत्तम किंग पोरस को आप अगर किताबों में उठा के देखेंगे वैसे तो किताबों में पुरुषोत्तम के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया है क्योंकि पुरुषोत्तम काफी यंग थे और उस यंग एज में जिस वक्त किंग पोरेस को उनकी हुकूमत सौंप के निकलते हैं और पीछे अलेक्जेंडर के ही गवर्नर जो है वो पुरुषोत्तम को मार देते हैं तो इस वजह से हमें किंग पोरस के बारे में काफी कुछ नहीं मिलता है किंग हती के वो आ, किंग पोरस की पूरी फैमिली को मार देते हैं तो इसलिए पुरुषोत्तम के बारे में इतना नहीं मिलता है हमें और जो है वो आ, उनके बारे में थोड़ा बहुत मिलता है लेकिन जहां पे भी मिलता है उनके जो नाम यूज किया जाता है पोरस पुरु आ, पौरवा या फिर राजा पुरुषोत्तम ठीक है इंडिया के हिं, हिंदुस्तान सॉरी पंजाब के रीजन में ये थे और जेहलम में थे और जेहलम के जो है ये राजा थे और नए रूल करने वाले थे और पुरुषोत्तम रूल पावरफुल अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर मॉडर्न जेलम रीजन सही ये तो मैं बता चुकी हूँ कि जेहलम में जेलम के बहुत करीब जेलम जो रिवर है उसके बहुत करीब उनका जो है महल था और वो उस पूरे एरिया को कवर करते थे अ उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जंग है वही अलेक्जेंडर के साथ है ठीक अब इसमें मुझे बताएं कि इसमें आप लोगों को कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम है अच्छा ये जो मैप मैंने इसमें लगाए हैं ये मैप आप देखें आ... ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है मैसेडोनिया का एरिया सही यहाँ से ये आए थे टर्की से होते हुए टर्की को पहले ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं मैप पे ये इश्यूज की जो जंग मैंने बताई थी वो हुई थी यहाँ पे फिर उसके बाद ये गए हैं अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट इजिप्ट से होते हुए ये लीबिया आए हैं लीबिया से होते हुए ये सीरिया आए हैं सीरिया से होते हुए इराक की तरफ आए हैं ईरान की तरफ आए हैं और फिर उसके बाद जो है वो कंधार की तरफ गए और बैक्टीरिया की तरफ आए हैं अः जेहलम की साइड आए और जेहलम की साइड से होते हुए बलो आपका जो बलोचिस्तान और ईरान का एरिया है वहां से होते हुए इराक गए हैं पुराने पर्शिया गए हैं और यहाँ पे बेबलूनिया में इनका इंतकाल हो गया इनकी इनकी ये ख्वाहिश थी कि बेबलूनिया रुकने के बाद सऊदी एरिया जाए जो कि यहाँ पे पॉइंट हुआ है सऊदी फिर वहां पे जाए लेकिन आ, इनको जो है वो मौका नहीं मिल सका और बेबलूनिया इनका लास्ट एरिया था अब तो छोड़े ना अब तो आ, जो है वो क्लास खत्म होने वाली है ना अच्छा ये ये देखें अब जो है ये uh, next empire है अलेक्जेंडर द ग्रेट का जी जी बिल्कुल पूछे, आप लोग तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, हैं, पूछे? ये रहे इतनी बड़ी के थे तो इनका नहीं था इनका बेटा या कोई नहीं, 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 आ, नहीं था एक प्रॉपर जान नहीं था जिसकी वजह से अलेक्जेंडर को बहुत नुकसान उठाना पड़ा जो जितनी सल्तनत मैंने आप लोगों को पीछे दिखाई इसका मैप दिखाया आप ये देखें इसमें कितने सारे एरियाज हैं मैसेडोनिया है बल्गारिया है टर्की है लिबनान है इजिप्ट है सीरिया है इराक आ रहा है ईरान आ रहा है कंधार का एरिया आ रहा है जेलम का एरिया आ रहा है बैक्टीरिया का आ रहा है अफगानिस्तान ताजिकिस्तान अ ये सारे एरियाज आ रहे हैं इन एरियाज को कैप्चर करने वाला मतलब कैप्चर करने वाला तो था लेकिन उसके बाद उसको संभालने वाला कोई नहीं था हाँ पीछे उनके कमांडर्स थे जो कि कमांडर्स ने आपस में अलग-अलग ये एरियाज बांट लिए और हिंदुस्तान में जो कमांडर रहा उसका नाम सिल्वरकस नेक्टर था और कोई सवाल जल्दी से पूछें टाइम रन हो रहा है आगे आगे।

हाँ अलेक्जेंडर ने अकेले काम किया है क्या हो गया वो किसी और को लेके क्यों साथ चलेंगे अलेक्जेंडर जी क्लियर वॉइस नहीं आ रही अरीज की मुझे अरीज जितना समझ में आया है उतना ये समझ में आया है कि आपने ये सवाल पूछा है कि अलेक्जेंडर ने जो इतनी सारी एक्सपेडिशन की हैं उसमें जो है वो आ, अकेले की हैं या फिर कोई और भी इनके साथ था अलेक्जेंडर ने वैसे तो अकेले की है इतनी सारी लेकिन उसके उनके साथ साथ जो थे कभी उन्होंने ला के राजा से जो है वो मदद मांगी पर्शिया में जब शादी कर ली थी कोई से तो फिर उनके साथ जितने फौज थी वो उनके साथ शामिल होते गए थे जितने एरिया उसको, के एरिया को कैप्चर किया तो इजिप्ट के, के जो फौज थी वो अलेक्जेंडर के साथ हो गई थी तो मतलब जितने एरियाज को उन्होंने कैप्चर किया उन एरियाज को कैप्चर करने के साथ साथ तो अपनी फौज भी बनाते चले गए बढ़ाते चले गए तो इंडिया एंड था तो एंड पे आने पे उनके पास एक बहुत बड़ी फौज का दस्ता था पहले ही वो एक बहुत बड़ी फौज लेके अपने साथ निकले थे लेकिन और मजीद फौज का दस्ता था क्लियर